और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जानकारी देते हैं। थोड़ी देर में नमो घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामांकन भी करेंगे दाखिल। तीसरी बार काशी के द्वार। मोदी का नामांकन जीत का प्रण। हैट्रिक की तैयारी सब पर भारी। नामांकन का मंगल, काशी का दंगा। तो आज वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार वाराणसी सीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर दशाश्वमेध घाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ गंगा पूजन किया था। तो 6 पुजारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन किया था और अब उसके बाद ठीक 11:40 पर वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। ये पुष्य नक्षत्र है और इसी नक्षत्र में प्रधानमंत्री अपना नामांकन तीसरी बार दाखिल करेंगे। तो हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को बड़ा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। यही कारण है कि आज बीजेपी के कई बड़े नेता वाराणसी पहुंच चुके हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से 2014 में नामांकन दाखिल किया। उसके बाद 2019 में फिर से वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया, चुनाव लड़े और एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री की हुई। और अब इसके बाद तीसरी बार आज नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। और इससे पहले काशी का जो कायाकल्प हुआ वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से काशी में भी कॉरिडोर्स बनाए गए और उसको लेकर आम जनता वहां पर संतुष्ट नजर आ रही है। मोदी के लिए बीते दिन जब रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, बड़ा जन सैलाब देखने मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते जो वहां के आम लोग थे वो नजर आए और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल एक शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश की गई और यही कारण कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीते दिन रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल हुए। उसके बाद आज वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री 11:40 पर यानी कि अब से कुछ देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। और रिकॉर्ड बनाएंगे जी ही आएंगे। क्यों मोदी जी? सर सर मोदी ही क्यों? हमारे काशी हमारे मोदी। मोदी इसलिए आएंगे जो विश्व कल्याण करेंगे और विश्व कल्याण का मतलब यह होता है कि आज काशी का कल्याण नहीं पूरे विश्व का, क्योंकि यहाँ महादेव विराजमान है और महादेव विराजमान जहाँ रहते हैं पूरे विश्व। कोई चुनौती देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? कोई चुनौती नहीं है, पूरी चुनौती खाली है। माननीय मोदी जी के विकास के को देखते हुए पूरा विपक्ष हताशा है और इस बार 400 पार को कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद ही यहीं पर आने वाले, 5 मिनट बाद ही नॉमिनेशन करने के लिए तीसरी बार? हाँ बोलिए। मैं कल ही से मैं यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आया हूँ और तीसरी बार नरेंद्र मोदी का जो है नॉमिनेशन भरने के लिए मैं विराजमान हूँ। मैं मिनी काशी का बेटा हूँ। आप क्या कहेंगे? आप तो हवा का भी लगाए हुए हैं। हवा नहीं सुनामी चल रही है अब की बार 450 के पार। इसमें पीएम मोदी का ही मोदी मोदी पूरा मोदी उन्हीं कारण से पूरा 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 मोदी 10 लाख से वोट से ज्यादा जीते बना रहे काशी। आप लोग काशी? अच्छा हम लोग काशी वासी हैं। मार्जिन ज्यादा होगा? मार्जिन इस बार 10 लाख के आसपास होने जा रहा है। इस बार का मार्जिन 10 लाख पार होगा। मोदी जी राष्ट्रवाद और विकासवाद दोनों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाए हैं। समाजवाद जो कुंठित हो रहा था, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, आप क्या कहेंगे? जो है बनारस में मोदी जी के सम्मान में खड़ी है और 400 पार और बनारस में पूर्वांचल पूरे विश्व में बड़े नेता हमारे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे मोदी जी। तो मोदीमय है बनारस, काशी मोदीमय है, काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर है, माँ गंगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सांसद है और सब यही कर रहे हैं कि 2014 से ज्यादा मार्जिन 2024 में होगा, 2019 से भी ज्यादा मार्जिन 2024 में होगा, यानी 10 लाख पार 10 लाख का मार्जिन होगा। ये काशी के लोगों का